भगवान शंकर की महादेव की जो शिवलिंग पिंडी है इसकी जलहरी में शक्ति पार्वती बसती है। ये बातें आपने सुनी नहीं होंगी, सुन लो इसको। जो जलहरी में शिव पिंडी नीचे गड़ी हुई है, नीचे का भाग विधाता ब्रह्मा जी का है, ठीक जो मध्य का भाग है वो भगवान विष्णु का है, वहां विष्णु बैठते हैं, और शिवलिंग के ऊपर जो सबसे ऊंचे का जो ऊपर का स्थान है वहां भगवान रुद्रदेव महेश्वर बैठते हैं। यह बात मैं इसलिए आपको बताने के लिए जा रहा हूं, सोमवार के दिन अष्टमी पड़ जाए तो जलहरी जहां पानी गिरता है नीचे का जो स्थान है, बेटियां शिव पूजा में वहीं पर बेलपत्र चढ़ाती हैं। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से बेटियों को अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। जिस नारी के गर्भ में संतान है और बढ़िया संतान प्राप्त करना चाहती है तो शंकर की पिंडी में सबसे नीचे के भाग पर चंदन लगाए, बंदन करे, पूजन करे, बेलपत्र चढ़ाए, समी पत्र चढ़ाए, जिसे गर्भ में संतान समाप्त नहीं होगी, क्योंकि यह स्थान ब्रह्मा जी का मूल भाग है और ब्रह्मा इस धरती के सृष्टि के रचयिता हैं। वो निर्माणकार हैं, वो निर्माण करते हैं, उनका मंत्र भी मैंने एकाध बार सुनाया, ओम ब्रह्मणे नमः। ये बात बहुत अद्भुत है और बजनीक बात है। गर्भ में संतान है या जो संतान को जन्म देने के लिए स्त्री पुरुष मन बना रहे हैं, भगवान शंकर के पिंडी पर नीचे के भाग में जहाँ वो जलहरी के साथ जुड़ी हुई है पिंडी, वहां पर अरोली, चंदन, फूल, पूजा उस स्थान पर करें। ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यहां पर विधाता ब्रह्मा विराजित होते हैं, यह स्थान ब्रह्मा जी का है। मेरे लिए सब बातें बहुत पुरानी सी हो गई हैं, लेकिन आपके लिए नई है, क्योंकि ये बातें आपको किसी ने सुनाई नहीं है ना, इसलिए। तो पिंडी का जो नीचे का भाग है वो विधाता ब्रह्मा, जिनका मकान बन नहीं रहा है, जिनकी दुकान बन नहीं रही है, निर्माणाधीन है, बनते बनते काम रुक जाता है, तो पिंडी का जो नीचे का भाग है साधक लोग इसी जगह पर निलाकर भगवान को रोली, चंदन और यहीं इसी जगह पर भोग भी वहीं रखें, पूजन यहाँ करें। मध्य का जो भाग है वो भगवान विष्णु का है। आपके घर से कभी कोई भूखा ना जाए, आपका व्यापार न रुके, घर में धन की बरकत हो, आपके घर में लक्ष्मी टिके, उसके लिए शिव पिंडी के ठीक बीचा बीच में आप भगवान को चंदन, रोली, कलावा, मोली, भोग भी लगाते हैं तो बीच के भाग को छुआ करके जलहरी के ऊपर रख दीजिए। मेरी बात को बहुत ठीक से सुनिएगा, भगवान महादेव की जो पिंडी है इसकी चार जगह पूजा होती है, एक जलहरी पर, एक नीचे, एक मध्य में और एक सबके ऊपर। तो चारों की बात मैं यहाँ को निवेदन कर रहा हूँ, बेटियों के अच्छे घर और बर के लिए जलहरी के ऊपर कुंवारी कन्याएं बेटियाँ महादेव की पूजा करती हैं, जलहरी के ऊपर ही सब सामान रखती हैं। सुंदर संतान को जन्म देने के लिए नारी जब विवाह उसका हो जाता है, अच्छी औलाद उसके यहाँ जन्म ले, वो महादेव की पिंडी के नीचे के भाग में, मूल भाग में भगवान शंकर की पूजा करती है। व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए, धन बढ़ाने के लिए घर से कभी कोई भूखा ना जावे, और सुनिए, घर में अच्छी लक्ष्मी जैसी बधू आवे, झगड़ा ना करे, कलह ना करे, इसलिए सबसे ज़्यादा महादेव की पिंडी की पूजा मध्य में होती है, क्योंकि अर्थ की सबको जरूरत है। घर में अच्छी नारी आवे, बच्चों का समय से विवाह हो जाए, यह तो सबको जरूरत है। घर से कभी कोई भूखा ना जाए, घर में रोटियों की संपत्ति की कमी ना आवे, इसलिए पिंडी के ठीक मध्य भाग में चंदन लगाया जाता है और वहाँ पूजन किया जाता है और वहीं भोग छुआ करके जलहरी के ऊपर रख दिया जाता है।